हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो इस बार जामिया 11th साइंस 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलो, जो हमारा ऑनलाइन बैच जो है बेसिकली स्पेशली फॉर जामिया 11th एंट्रेंस वो शुरू हो चुका है। तो अगर आपको ये ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करना हो तो डिटेल्स के लिए गिवन नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी आर रिटन एज ए एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन एच सी एफ। तो एच सी एफ हमें निकालना है। अगर मैं एच सी एफ की बात करूँ, एच सी एफ कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन है गिवन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी क्वेश्चन जो भी आप जिसका भी आपको एच सी एफ निकालना है उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बट जैसे यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैं आप लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू दिया है एक्स वाई क्यूब। तो अब आपको जब भी एच सी एफ निकालना हो तो आप क्या देखते हो, जो भी कॉमन फैक्टर्स है, जैसे आप देख सकते हो एक्स और यहाँ पे एक्स पावर आप दे सकते हो, जो लोएस्ट पावर है वो आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो आप एक्स ले सकते हो, और वाई के केस में देखिए तो लोएस्ट जो पावर है वो है स्क्वायर 2, दैट इज वाई का स्क्वायर, दैट इज वाई टू द पावर 2। तो यहाँ पे जो एच सी एफ जो होगा ए और बी का वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। सो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बट इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एल सी एम निकालना हो तो क्या करते थे, तो उस केस में हमें हाईएस्ट पावर लेना होता था और अगर नॉन कॉमन फैक्टर्स भी जो होता था वो भी हम कंसिडर करते थे। बट जब भी हम एच सी एफ निकालेंगे तब हमें कॉमन फैक्टर्स ही ध्यान देना चाहिए और साथ में जो लोएस्ट जो पावर है इस पार्टिकुलर प्राइम फैक्टर का वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसके लिए मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताना चाहता हूँ सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ए माइनस बी ए और ए प्लस बी जीरोज है इस पॉलीनोमियल का, तो जीरो का मतलब ये हो गया अगर जो भी इसकी वैल्यू है, ए माइनस बी की वैल्यू हो, ए की वैल्यू हो या ए प्लस बी की वैल्यू है, अगर इस पॉलीनोमियल में हमने पुट कर दिया तो डेफिनेटली जो इसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। आपको निकालना है ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये जो आपको दे रखा है ऑप्शन के अंदर, ये आपको ए प्लस बी का ही फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आप करेंगे, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो पहला वाला नंबर है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ए हो सकता है, दूसरा बी, बी के अकॉर्डिंग पहला वाला ए दूसरा वाला बी, है ना, इस तरीके से। और डी के केस में देखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो क्योंकि यहाँ पे ए बी, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी जीरोज है, तो यहाँ पे ए की बात करें जो पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1 और इसमें 3 है, तो आप एक काम करें ए की वैल्यू जो 3 है कंसिडर करके इस पर पुट करके देखें, अगर 0 आ रहा है तो 1 हमारा जो होगा बेसिकली वो ए की वैल्यू होगी। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो फिर माइनस 1 रख के देखेंगे, फिर माइनस 1 रख के देखेंगे तो आपको माइनस 1 अगर ए होगा तो फिर बी की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं। तो आइए हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू को 1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब वैल्यू देखें यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 1, तो देख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हो गया जो 1 जो है बेसिकली इस क्यूबिक पॉलीनोमियल का क्या है, पॉलीनोमियल है, और जो 1 मींस ये ए की वैल्यू होगी अगर हम कंपैरिजन करें, तो ए के हमारा 0 है, यानी हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए जाएगा, दैट इज 1 प्लस माइनस रूट 2, यानी ए की वैल्यू जो होगी 1 होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस रूट 2 होगी एज पर द ऑप्शन। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है ऑप्शंस के थ्रू करना चाहिए, बट अगर इसी को ही आप प्रॉपर अगर सॉल्यूशन चाहिए आपको तो मैं सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन भी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे आपको करना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जब भी क्यूबिक रूट होता है तो सम ऑफ द रूट की वैल्यू कितनी होती है, आपको बता देता हूँ। सम ऑफ द रूट की जो वैल्यू होती है, जो रूट्स होते हैं इसके, उसके जो सम की जो वैल्यू होती है दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है बेसिकली, ये सम की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है बेसिकली उसकी वैल्यू होती है दैट इज माइनस डी अपॉन ए। तो आप सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू को आप यहाँ पर रखें,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे हम इसको वैल्यू को पुट करना हो, इस क्यूबिक जो हमारा एक्सप्रेशन है पॉलिनॉमियल है, यहाँ पर अगर देखें ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारी 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दैट इज 3 है -3, एंड सी की वैल्यू कितनी है 1, और डी की वैल्यू कितनी है अगेन 1। तो ये ए बी सी डी की वैल्यू है, आप सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू यहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला बताया आप रख सकते हैं, -b की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो सम ऑफ द रूट्स जो निकल करके आया है वो हमारा 3 निकल के आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा -d, -d मीन्स -1/1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ -1 आ जाएगी, राइट। तो हमारा सम ऑफ द रूट्स निकल के आ गया। अब सम ऑफ द रूट्स, अभी जो 3 रूट्स दिए हैं इनको सम कर देंगे, सम करने की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 के बराबर आएगी, राइट। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इसके अंदर, राइट। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इज ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ये रूट्स हैं, इन तीनों को हम सम करेंगे तो 3 के बराबर अभी हमने निकाला यहाँ पर। तो यहाँ पे ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो माइनस बी और प्लस बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए दैट इज 3a, 3a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 3/3, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1। तो देखिए a की वैल्यू तो हमें पता चल गई, अब हम बात करनी है b की वैल्यू हमें निकालनी है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ है ना रूट्स की बात करें तो वैल्यू कितनी आई थी, वो -1 निकल के आया था। तो आइए प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे जगह तो नहीं है फिर भी करने की कोशिश करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए इंटू ए प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी -1, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। अब ए की वैल्यू हमने कितना निकाला, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए, ये तो हमारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस बी और 1 प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू कम्स आउट टू बी -1, ठीक है। अब ये हमारे माइनस बी उधर जाएगा, माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा, और ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसको आप सॉल्व करेंगे, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे 1 जो है प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज -1, तो -1 -1 दैट इज -2, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, रूट ऑफ ओवर ऑफ 2, तो 2 का जब भी हम रूट करेंगे तो आंसर हमेशा प्लस और माइनस में आता है। तो ए की वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस माइनस रूट 2। तो यस, डेफिनेटली आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो करेक्ट जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, व्हाई डू सो, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च कर देगा, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इफ k प्लस 1 k प्लस 19 2 k प्लस 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP, AP का क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसके अंदर AP का मतलब ये होता है जो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा, यानी ये हमारा पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो आप क्या करो, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे, जो भी कॉमन डिफरेंस आता है वो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करने के बाद भी सेम ही होता है। यानी मैं कह सकता हूँ के प्लस 19, के प्लस 19 में से आपको माइनस करना होगा, दैट इज 3k प्लस 7, ठीक है। सेकेंड में से हमने पहला टर्म माइनस कर दिया, अब थर्ड टर्म में से यानी 2k प्लस 1 थर्ड टर्म में से हम सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, दैट इज k प्लस 19, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे k प्लस 19 माइनस 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 19 माइनस 7 की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 12, तो माइनस, और k में से 3k जाएगा तो दैट इज माइनस 2k, माइनस 2k माइनस 12, ठीक है, माइनस 2k प्लस 12 इज इक्वल टू, अब 2k में से 1k जाएगा तो k होगा, और माइनस 19 में से प्लस 1 होगा तो माइनस 18, तो k माइनस 19, ये माइनस 18। तो यहाँ पे आप वैल्यू सॉल्व कर दें, यहाँ पे 12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, दैट इज़ माइनस, तो ये के यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 12, तो ये जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 30,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30/3, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 10। सो ऑप्शन ए जो होगा इस केस में हमारा करेक्ट जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 cos² θ + 1 देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बस एक्स प्लस वाई आप कर दीजिए, यानी एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी 2 sin² θ + 2 cos² θ + 1। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 2 × 1 + 1 तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 3। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा, सो ऑप्शन 3 जो है इसका, ऑप्शन ए जो है 3, दैट विल बी करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 भी। आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, यानी आप ए बी सी ट्रायंगल बना दें इमेज। तो इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, ये बोला ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो ए बी और सी पे हमारा 90 डिग्री है, ये राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री पे। आपको ए बी बताना है, ए बी किसके बराबर होगा ए सी के टर्म्स में। तो इतना तो पता है, जो ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी के बराबर होगा, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो साइड्स बराबर होंगे इसके अंदर, राइट। और जो ए बी जो है वो हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड्स आप देख रहे हो, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें, अगर ए सी को परपेंडिकुलर मानते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, दैट इज ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान देना। अब तो ए बी का स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे ए सी और बी सी बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे बी सी की जगह ए सी लिख सकता हूँ, यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वाई, क्योंकि आप आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ए सी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है, बस सिंपल सी बात। तो ये 2ac² हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ac² और ए बी की बात करें तो रूट ले लेंगे यहाँ पर, तो रूट ओवर ऑफ 2ac निकल के आ जाएगा। तो ए सी रूट 2 या रूट 2ac, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बनते भी हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी खर्च कर देते हैं। रीज़न क्या है, बेसिकली रीज़न ये है कि जब भी बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, तो वो उसके अंदर इक्वेशन बनाने लग जाते हैं, जबकि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आप क्वेश्चन देखो, 5 years ago ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड 10 years later ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी ये जो ऑप्शन जो दिया हुआ है, ए का प्रेजेंट एज दिया हुआ है, तो यहाँ पे ए और बी को ही कंपैरिजन कर रहे हैं। अब लैंग्वेज देखिए, पहले आप ऑप्शन ए को मान लेते हैं, ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ए का प्रेजेंट एज 20 इयर्स है, तो 5 साल पहले ए की एज कितनी होगी, 5 years ago एज पर द क्वेश्चन, ए की एज कितनी होगी बताओ, 15 होगी, वो थ्राइस होगा, 3 गुना होगा बी की एज का, तो बी की एज कितनी होनी चाहिए, 5 ही तो होनी चाहिए, तभी तो ए है जो है 3 गुना होगा। एंड 10 years later अगर आज की एज प्रेजेंट एज 20 है, तो 10 years later कितना होगा, दैट विल बी 30, ठीक है, 20 में 10 जोड़ देंगे तो 30, ए की एज 30 होगी। शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, और बी का वो कितना होगा, तो ट्वाइस होगा, तो बी की एज कितनी होगी, है ना, बी की एज हम बात करें 10 साल बाद, तो 10 साल बाद जो बीच की एज बता रहे हैं, वो दैट विल बी 15। तो आप खुद बताओ, बी की एज जो है 5 साल पहले 5 ईयर है, ठीक, और 10 साल के बाद जो है क्या 15 साल पॉसिबल है क्या, खुद आप देख सकते हो। यानी आज जो प्रेजेंट एज जो बी की जो है, अगर हम लोग बात करें, तो प्रेजेंट एज बी की कितनी होगी इस केस के अंदर, 10 हो जाएगी, ठीक है, और 10 इयर्स के बाद बी की एज कितनी होनी चाहिए, सो दैट विल बी 10 और ऐड कर देंगे तो 20 होनी चाहिए, जबकि अभी हम क्वेश्चन में जैसे हमने सॉल्व किया, तो कितनी आ रही है, 15 आ रही है, सो इट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। सो ऑप्शन ए जो है हमारा रॉन्ग जाएगा, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड बी को देखते हैं। अगर हम प्रेजेंट एज ए की 50 मान लेते हैं, तो 5 साल पहले कितनी होगी, दैट इज 45, तो प्रेजेंट 5 साल पहले अगर 45 होगी, तो बी की एज 5 साल पहले कितनी होगी, 15, क्योंकि थ्राइस होगा ए की, क्योंकि ए का एज थ्राइस होगा ना, 3 गुना होगा। अब बोला है कि एज शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी आफ्टर 10 ईयर्स, तो 50 में 10 ऐड कर दूंगा तो 60 ऐड कर दिया,
तो अब जो है ये ट्वाइस होगा बी के एज का, तो बी का एज कितना हो गया 30। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर बी का एज 5 साल पहले 15 था तो अभी प्रेजेंट एज कितना होगा, दैट विल बी 20। और 10 साल के बाद जो है बी का एज आप 10 आ जाए, क्योंकि 10 साल के बाद आप देखें तो क्या बी का एज 30 आ रहा है, ऑफ कोर्स बी का एज 30 आ रहा है, सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट चला जाएगा। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन करके, बट अगर आप इसको इक्वेशन के थ्रू बनाएंगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मानना पड़ेगा जो प्रेजेंट एज ए है बेसिकली, उस ए मान ले, ए का जो प्रेजेंट एज है उसको आप ए मान ले और बी के प्रेजेंट एज को आप बी मान लो, ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले ये इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, जैसे ए माइनस फाइव, 5 साल पहले ए क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो 5 साल पहले जो ए की जो एज थी वो बी की एज से कितनी थी, 3 टाइम थी, 3 टाइम्स इंटू ऑफ बी का एज। तो बी का प्रेजेंट एज बी मान लिया तो बी माइनस फाइव 5 साल पहले कहते, ये इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा ए माइनस फाइव। ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3b-15। ठीक है, तो -5 जाके प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस 3b इज इक्वल -15 + 5, सो दैट विल बी -10 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 10 साल के बाद की, हम बात करते हैं तो 10 साल के बाद की बात करें तो 10 साल के बाद, सो ए प्लस टेन, यार मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, दैट इज ए प्लस टेन इज इक्वल टू, अब बी का जो एज है 10 साल के बाद तो बी प्लस टेन कितने टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस टेन इज इक्वल टू 2b+20, इस तरीके से तो आप कर सकते हो इसके अंदर, राइट। तो अब इसमें क्या बच जाएगा, इसके अंदर आप देखो सॉल्व कर लो इसको आप, तो ए प्लस टेन में जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, दैट इज 10, दैट इज ए माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 10 गया तो दैट विल बी प्लस 10। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन जो आपके पास बना है, दैट इज ए इज इक्वल टू 3b, जो पहला इक्वेशन है, और जो नीचे वाला इक्वेशन है अगर सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आपका बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन से आप ए और बी की वैल्यू निकाल लो, यानी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो ए माइनस 3b इज इक्वल टू -10 और ए माइनस 2b इज इक्वल टू दैट विल बी 10। इसको आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ए से ए पूरा कैंसिल हो जाएगा, 3b माइनस 3b प्लस 2b दैट इज -b और -10 और -10 दैट विल बी -20, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ईयर्स आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप डाल दो, पहले में या दूसरे में, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो देखो लिख सकते हो ए माइनस 3b, तो 3 × 20 इज इक्वल टू -10। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो ए माइनस 60 इज इक्वल टू -10, तो ये माइनस है उधर के प्लस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू -10 + 60, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 50। देख सकते हैं ए की एज कितनी आ गई, ऑप्शन बी 50। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सो बट आई विल एडवाइज यू शुड गो थ्रू द नॉट इक्वेशन, थ्रू द ऑप्शन, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मीन का जो फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, अगर आपने पढ़ा हो, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, अब मीन यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 7.5, एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 120 + 3k और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 30 दी हुई है। बस इक्वेशन रखो और सॉल्व कर लो इसके अंदर, तो देखो 30 × 7.5 द वैल्यू कम्स आउट टू बी 225 इज इक्वल टू 120 + 3k। 120 माइनस करेंगे 125 में से तो वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 105। 105 की वैल्यू 3k के बराबर है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 105/3, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 3 9 और 3 5 15, सो 35 इज द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ द करंट सर्फेस एरिया विल बी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सिलेंडर का जो करंट सर्फेस एरिया जो होता है CSA, उसकी वैल्यू होती है 2πRH। अगर हम एज्यूम करते हैं पहले रेडियस R है और हाइट H है, और बाद में रेडियस कितना हो जाएगा डबल, दैट इज 2R। ठीक है, और बाद में हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज h/2। तो आपको बताना है, पहले जो कर्व सरफेस एरिया था वो क्या था, दैट इज 2πRH। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब जो न्यू कर्व सरफेस एरिया होगा उसको मैं CSA- लिख दे रहा हूँ, दैट इज 2πR-H- न्यू। इसको सॉल्व कर लो, 2π और न्यू रेडियस कितना है, दैट इज 2R, और न्यू हाइट कितना है, दैट इज h/2। सॉल्व कर लें यहाँ पे, 2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू वही रहेगा हमारा, 2πRH ही रहेगा। मतलब पहले भी 2πRH ही था और अब भी 2πRH ही है, मतलब हमारा जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सो सेम रहेगा हमारा। ऑप्शन सी जो है वो
करेक्ट जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ बोथ द साइड्स। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखेंगे डाइस के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है बेसिकली वो कितना है 36, और फेवरेबल आउटकम्स कितना है वो हमें देखना पड़ेगा। जैसे इवन नंबर आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन ऑन बोथ द साइड्स, दो डाइस है, डाइस वन डाइस टू, दोनों में क्या आना चाहिए बताओ, दोनों में इवन नंबर आना चाहिए, यानी पहले पे टू आता है तो दूसरे पे टू हो सकता है, फिर पहले पे दो और दूसरे पे चार, दूसरे पे दो, पहले पे दो और दूसरे पे छः, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर पहले डाइस पे टू टू आ रहा है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज सही हो गई। फिर और क्या पॉसिबिलिटीज़ है हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहले पे चार, दूसरे पे दो, पहले पे चार, दूसरे पे चार, पहले पे चार, दूसरे पे छः, और फिर तीसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ पहले पे छः, दूसरे पे दो, छः, पहले पे छः, दूसरे पे चार, पहले पे छः और दूसरे पे छः। तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स जो है बेसिकली दैट इज टोटल, आप देख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है बेसिकली, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है बेसिकली दैट विल बी 9, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है, दैट इज 36। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू जो निकल के आएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 9/36। तो 9/36 को सॉल्व करेंगे 1/4, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जाएगा। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है सेंटर सर्कल का, द एरिया ऑफ सेक्टर ए पी बी, ये जो सेक्टर आप देख रहे हो ए बी ऑफ ए पी बी जो सेक्टर है इसका एरिया दिया हुआ है 5/18 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, दैट इज थीटा स्क्वायर, थीटा की जगह पे एंगल की जगह पे एक्स दिया हुआ है, एक्स अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर जो है इसका रेडियस है, इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या दिया 5/18 ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, सो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर अगेन। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे एक्स की वैल्यू को सॉल्व करेंगे 5/18 इंटू 360, 18 गोज 20 टाइम्स, 20 इंटू 5 दैट विल बी 100 डिग्री। सो आंसर हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा 100 डिग्री करेक्ट जाएगा इस केस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, क्वेश्चन नंबर 37, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट कैन बी कार्व आउट ऑफ द सॉलिड ऑफ द रेडियस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, सॉलिड तो दिया है इन्होंने बट सॉलिड क्या है, हेमिस्फीयर है या स्फीयर है, या इन्होंने किससे हमें मैक्सिमम मतलब कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, कार्व आउट करना है, बट जैसे ऑप्शंस है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको हेमिस्फीयर मानेंगे, सॉलिड ऑफ हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर को लेके ही इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम किसी हेमिस्फीयर को अगर कंसिडर करें, ठीक है, इसमें से हमें कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, तो इसका तो आर रेडियस तो आर ही रहेगा बेसिकली, तो कोन का रेडियस जो होगा बेस का वो तो आर ही रखा जाएगा, और जो हाइट जो होगा वो भी कितना होगा, आर ही के बराबर होगा। तो वॉल्यूम जो होता है उस कोन का कितना होता है 1/3, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा इनटू एच, एच भी किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द जो हेमिस्फीयर है उसी के बराबर होगा। तो आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 1/3 पाई आर क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज जो होता है बेसिकली इसकी वैल्यूज कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होती है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो दैट विल बी सी अपॉन ए। तो अब हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं, पहले पता चल जाए ए और बी और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, राइट। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो अभी जो हमारा पी की जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा अलग अलग कर लिया, अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर इसको और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो p को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस सी माइनस पी है ना इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप देख सकते हो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट a कहलाता है दैट इज़ 1, ठीक है। b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ x का कॉफिशियंट दैट इज़ माइनस पी, और ये जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म ये हमारा c हो जाएगा, दैट इज़ c माइनस पी। अब देख सकते हैं माइनस b, अब माइनस b की बात करें तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज़ माइनस p, तो माइनस है ना, दैट इज माइनस पी अपन ए की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी पी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी निकल के आ जाएगा, और सी अपन ए की बात करें अल्फा इंटू बीटा हमें निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस सी माइनस पी,
ठीक है, और अपॉन वन, तो वैल्यू कितनी होगी बताओ, दैट इज सी माइनस पी। बस हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई। अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आप वैल्यू रख करके सॉल्व कर दें यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा इसको सॉल्व कर दें यहाँ पर, अल्फा प्लस वन ठीक है, बीटा प्लस वन इसकी वैल्यू आप सॉल्व कर दें, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस इधर हो जाएगा क्या आपका, दैट इज अल्फा प्लस बीटा को आप है ना प्लस वन, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाली थी, दैट इज सी माइनस पी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, दैट इज पी प्लस वन। अब यहाँ पे देखो माइनस पी और प्लस पी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो सी प्लस वन, तो सी प्लस वन या वन प्लस सी। सो आप देख सकते हो इसके अंदर, सो ऑप्शन डी जो है इसका वो करेक्ट जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा इस केस के अंदर, तो ये आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन ए पी, द वैल्यू ऑफ ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी प्लस ई, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत है बहुत सिंपल। अगर आप देखें ए और बी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा जिसको मैं डी मान लेता हूँ, बी और सी के बीच में भी वही कॉमन डिफरेंस होगा, और सी एंड डी के बीच में भी वही कॉमन डिफरेंस होगा, और डी एंड ई के बीच में भी वही कॉमन डिफरेंस होगा, राइट। तो ए तो हमारा फर्स्ट टर्म है, अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें, बी की बात करें, है ना, तो बी जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, ए के अंदर हम कॉमन डिफरेंस जो डी है उसको ऐड कर देंगे, और जो सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, दैट इज़ ए के अंदर हम लोग टू कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, राइट। और डी की जो वैल्यू होगी, तो ए के अंदर आप देख सकते हो थ्री कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर रहे हैं, डी जो है ए के अंदर तीन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ऐड करेंगे तो डी निकल के आ जाएगा। तो उसी तरीके से ई अगर हमें निकालना हो, तो ई जो होगा ए के अंदर हम लोग फोर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो हमारा ई निकल के आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को आप इसमें रख दो और देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, क्योंकि जितने भी टर्म्स आप देख रहे हो बी सी डी या तो ए में या तो डी में निकल के आ रहा है, राइट। तो आप सॉल्व करते हैं, ए माइनस फोर इंटू बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए प्लस डी है ना, डी हमारा जो है कॉमन डिफरेंस है, राइट। प्लस सिक्स इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज ए प्लस टू डी, ठीक है, माइनस फोर डी, और डी की वैल्यू क्या है अगर हम बात करें, डी यहाँ पे स्मॉल डी है, स्मॉल डी जो है ये हमारा नंबर है, और कैपिटल डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, राइट। ये ध्यान देना, दैट इज ए प्लस थ्री डी प्लस ई, और ई की जो वैल्यू जो है बेसिकली दैट इज ए प्लस फोर डी, और इसको आप सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस फोर ए माइनस फोर डी प्लस सिक्स ए प्लस ट्वेल्व डी माइनस फोर ए माइनस ट्वेल्व डी प्लस ए प्लस फोर डी। बहुत सिंपल है, इसको आप कुछ नहीं करना है, आप ए ए को कर सकते हैं या डी को आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस फोर डी और यहाँ प्लस फोर डी, यहाँ से देख सकते हैं आप ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ट्वेल्व डी प्लस ट्वेल्व डी एंड माइनस ट्वेल्व डी कैंसिल हो गया, बस ए ए में बच गया। तो अब ए ए को जोड़ते हैं, ए प्लस सिक्स ए दैट इज सेवन ए, सेवन ए प्लस ए दैट इज एट ए, एट ए, और यहाँ पे फोर माइनस फोर ए एंड माइनस फोर ए दैट इज माइनस एट ए, एट ए में से एट ए जाएगा तो आंसर जाएगा जीरो। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट होगा बेसिकली, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा गया ऑल स्क्वायर्स आर, सारे जितने भी स्क्वायर्स होते हैं आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि सारे सबके जो साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, एंगल तो सेम ही होगा, है ना, डायमेंशन वेरी कर सकता है। तो आंसर जो आएगा इसका करेक्ट आंसर दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सिमिलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग माइनस वन वन एंड फाइव कॉमा सेवन इज डिवाइडेड बाय लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फोर इन द रेशियो ऑफ, ये जो क्वेश्चन बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें आपको दो पॉइंट्स दे रखा है, दो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर जो है बेसिकली फॉर्म में दे रखा है, उस वो जो लाइन है इस दो पॉइंट से है ना जॉइन होकर के बनती है, उसको एक और लाइन एक्स प्लस वाई बाई फोर जो है वो क्या करता है बताओ, काटता है, तो किस रेशियो में काटेगा आपको ये निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे दो ये पॉइंट है बेसिकली, दैट इज माइनस वन कॉमा वन ये इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड फाइव कॉमा सेवन ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इस लाइन को एक दूसरी लाइन जो है बेसिकली मान के चलो इस पॉइंट पे डिवाइड करती है, मैं मान के चलता हूँ के इस टू वन रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है, तो अब इसका के की वैल्यू हमें निकाल लेंगे तो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, राइट। तो बहुत सिंपल है। तो अगर हम बात करें जो एक्स की जो वैल्यू जो निकल करके आएगी वो क्या होगी बेसिकली, दैट इज अब क्या होता है फार्मूला, आपको फार्मूला पता होगा, दैट इज एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम जो है बेसिकली जो एक्स टू, तो एक्स टू यहाँ पे क्या है, दैट इज फाइव, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज फाइव फाइव के हो जाएगा, प्लस फिर क्या है n इंटू एक्स वन, यानी ये हमारा n है
है ना इंटू एक्स वन, तो एक्स वन यहाँ पे कितना है दैट इज माइनस वन, तो वन इंटू यानी यहाँ पे हो जाएगा दैट इज माइनस वन, तो ये आपको करना होगा यहाँ पर राइट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अपॉन दैट इज एम प्लस एन दैट इज के प्लस वन हो जाएगा। ये हमारा वाई एक्स का कोऑर्डिनेट निकल के आ गया, फिर वाई का निकालेंगे तो भी इसी तरीके से करेंगे, जैसे के है के इंटू वाई टू हमारा, तो वाई टू हमारा कितना हो जाएगा, तो वाई टू जो है हमारा सेवन है दैट इज यहाँ पर राइट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दैट इज सेवन के, तो सेवन के तो यहाँ पे ये हो जाएगा सेवन के, फिर हो जाएगा दैट इज वन इंटू वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है वन, तो यहाँ पे ये की जो वैल्यू जो निकल के आएगी दैट विल बी वन ठीक है अपॉन के प्लस वन, के प्लस वन। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ गई, आपको करना कुछ नहीं है, एक्स प्लस वाई को सॉल्व करो, उसको फोर के इक्वल कर दो क्योंकि बोला ही इन्होंने यही क्वेश्चन के अंदर यहाँ राइट। तो फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन प्लस सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू फोर, के प्लस वन तो कॉमन ही है तो इसको तो आप कॉमन ही रखो यहाँ पर, तो फाइव के माइनस वन प्लस सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो फाइव के प्लस सेवन के कितना हो जाएगा ट्वेल्व के हो जाएगा, ट्वेल्व के और प्लस वन में से माइनस वन तो यहाँ पे कैंसिल हो गया हमारा राइट, अपॉन के प्लस वन इज इक्वल टू फोर। अब यहाँ से वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फोर के, तो ट्वेल्व के इज इक्वल टू फोर के प्लस फोर, तो फोर के बाकी माइनस करेंगे ट्वेल्व में तो एट के हो जाएगा, तो एट के की वैल्यू कितनी होगी दैट इज़ फोर, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ फोर बाई एट, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी वन अपॉन टू, यानी रेशियो कितना होगा वन इज टू टू, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट जाएगा राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शेडो इज वन इज टू रूट थ्री द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है, एक रॉड है बेसिकली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, एक ये रॉड है उसका ये शेडो है, जो शेडो है ये रॉड में यहाँ पे लिख रहा हूँ और ये शेडो है ठीक है, इसका जो रेशियो जो है बेसिकली रेडो का जो हाइट है वन इज टू थ्री बेसिकली रेशियो दिया हुआ है ठीक है, ध्यान देना। तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा राइट। तो अब आप देख सकते हो ये जो एंगल है ये एंगल कितना बनाना है राइट, तो इसको ए और बी यहाँ पे इसको ए दे देता हूँ, ये बी देता हूँ, ये सी देता हूँ, तो आप देख सकते हो ए और बी है ना, ए और बी जो ये रॉड का लेंथ है और शेडो का जो लेंथ है बेसिकली वो कितना है दैट इज़ ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू जो दी हुई है वन अपॉन रूट थ्री दी हुई है, तो ए बी अपॉन ए सी क्या है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है ठीक है, ध्यान देना टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी थर्टी डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आप कह सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट थर्टी डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, सो ऑप्शन ए जो होगा हमारा थर्टी डिग्री वो करेक्ट जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर राइट। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं और बहुत आप इजिली कर सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए डी इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, डी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है रेडियस कितना है सर्कल का। तो इसको करने से पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ए डी, यहाँ पे देख सकते हैं ए डी की जो वैल्यू है वो 23 दी हुई है राइट, 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे बात करें डी एस, डी एस की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा सर्कल पे अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है, तो जो डी एस अगर 5 सेंटीमीटर तो डी आर भी 5 सेंटीमीटर होगा, अगर डी आर 5 सेंटीमीटर है ए डी की वैल्यू 23 सेंटीमीटर है तो 23 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ए आर, आर की वैल्यू, ए आर की वैल्यू कितनी जाएगी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा है ना, 23 में से 5 जाएंगे तो 18 हो जाएगा, तो अगर ए आर 18 है तो ए क्यू भी 18 ही हो जाएगा, क्यों एक्सटर्नल पॉइंट है ए उससे टेंजेंट ड्रॉ किया है। फिर बात करते हैं फिर ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 29 दे रखा है राइट 29, तो 29 में से आप 18 माइनस करेंगे तो क्यू बी की वैल्यू कितनी जाएगी 11, तो क्यू बी भी 11 और पी बी भी 11, ये भी 11 हो जाएगा राइट ठीक है, और ये एंगल भी उन्होंने क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है राइट। अब आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल है, अब ये तो ओ क्यू एंड ओ पी तो हमारा रेडियस है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके है ना एडजेसेंट दोनों जो स्पेयर्स है बेसिकली वो इक्वल है और राइट एंगल 90 डिग्री का है ठीक है, ये ध्यान देना, और ये राइट एंगल होगा बेसिकली आप ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखें अगर ये 90 डिग्री है तो अगर इसको अभी यहाँ पे अगर इसको हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं तो ये जो बेसिकली एसोसिएल्स ट्रायंगल बनेगा ये 90 डिग्री है 45, तो ये 45
और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट जो होता है बेसिकली, राइट, टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। कोई भी रेडियस जो है बेसिकली टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाती है, राइट, ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो देख सकते हैं ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ से, अगर इसको आप यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं जो इक्वल टू पार्ट्स डिवाइड करता है, जो ट्रायंगल बनता है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उस हिसाब से आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है सॉल्व करेंगे तो 11 ही 11 आएगा। तो कह सकते हैं जो रेडियस की जो वैल्यू है वो 11 ही आएगी। क्यों? ये एक स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर के सारे साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। सो कह सकते हैं ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट जाएगा इसका, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिड कॉमा 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट क्यू माइनस 6.5 एंड आर माइनस 2.3 एंड देन द वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मिड पॉइंट का है। मिड पॉइंट जब भी निकालते हैं बेसिकली दो पॉइंट के बीच में, तो दोनों के जो भी इंडिविजुअल एक्स कोऑर्डिनेट्स उसको जोड़ करके उसका हम क्या निकालते हैं, मीन निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो ए बाई 3 जो है बेसिकली, ये क्या है बताओ? ये मिड पॉइंट का एक्स का कोऑर्डिनेट है, राइट। तो ये दो पॉइंट है एक, तो आप एक्स जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है माइनस 6 और आर का एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है दैट इज माइनस 2। तो दोनों को जोड़ दें आप। दोनों जोड़ने के बाद इसके बराबर कर सकते हैं। जैसे ए अपॉन 3 की जो वैल्यू होगी, इधर का एक्स का कोऑर्डिनेट माइनस 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 2, बस सॉल्व करना कुछ नहीं। ए अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2, तो ये 4 हो जाएगा और 3 जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी माइनस 12। तो आंसर जो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, दैट विल बी माइनस 12। बहुत सिंपल है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए मिड पॉइंट वाले, तो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, अगर दो पॉइंट से तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअल में लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, काफ़ी सिंपल सा है। अगर x माइनस 1 जो है कॉमन रूट इक्वेशन है, दो इक्वेशन है इसका, x माइनस 1 इसका रूट दे रखा है, राइट। तो आप कुछ मत करो इसके अंदर, आप सीधा x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर। तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू निकल के आएगी, यानी a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज 2a इज इक्वल टू माइनस 3, और a की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा 1 की वैल्यू रख के देखते हैं, दैट इज 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज माइनस 2। बस अब आपको a और b को मल्टीप्लाई करना है, a और b को, दैट इज माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 2। तो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट आंसर जाएगा, सो ऑप्शन बी 3 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो इस बार जामे में 11th साइंस एंट्रेंस पेपर में देखने को मिला था।